राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के लिए अपना राउज एवेन्यू पार्टी कार्यालय 10 अगस्त तक खाली करने का समय बढ़ा दिया है। रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के पदभार संभालने के बाद अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी करने पर हस्ताक्षर किए। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके तहत 10 जुलाई को मतदान होगा जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल का संकट बना हुआ है। लगातार दिल्ली सरकार हरियाणा पर कम पानी छोड़ने का आरोप लगा रही है। मुंबई में दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहुंचने के एक दिन बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मध्यम से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया। दिल्ली पुलिस ने आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ साक्ष्य मिटाने और गलत जानकारी देने के लिए आईपीसी की धारा जोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में 72 संसदीय मंत्री परिषद ने रविवार को शपथ ली और यह संख्या अधिकतम स्वीकृत संख्या 81 से केवल 9 कम है। पाकिस्तान समर्थित द रेजिडेंट्स फ्रंट ने रविवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है जिसमें 10 लोग मारे गए और 33 अन्य घायल हो गए। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर नकारात्मक राजनीति करने और यमुना नदी में पानी की आपूर्ति रोकने का आरोप लगाया। मुंबई में 5 मंजिला एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को पहली बार संबोधित किया। पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों के सामने अपनी ऊर्जा के विषय में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब हम काम करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण विचार बेहद जरूरी होते हैं, जिनमें विचारों में स्पष्टता होना, अपने विश्वास पर दृढ़ रहना और काम को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। साथियों, जब हम काम करते हैं तब 3 चीजें बहुत अनिवार्य होती है और अगर 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं 3 बातें कहता हूं, 1 क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जहां तक इस सरकार का सवाल है मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है, बाएं जाए दाएं जाए ऊपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। फेथ इन कन्विक्शन दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। फेथ इन कन्विक्शन, जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है लेकिन यही है रास्ता तो चलो लग जाओ, लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव। और इसके लिए चलता है कैरेक्टर टू एक्ट। मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है, खुद को खपाना पड़ता है। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ मेरा कैरेक्टर टू एक्ट, उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त कर। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है। दोस्त, आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं
अस्थिर होती है, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है, दोपहर को दूसरा होता है, इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है स्थायी है तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है, और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए, इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं, और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है, वो हर पार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया साहब, थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। दिल्ली पेयजल संकट से जूझ रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में नहीं छोड़ रहा है, जिसकी वजह से यह पेयजल संकट खड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी दिल्ली ने हरियाणा भवन का घेराव किया। देखिए, दिल्ली के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर लगातार हम हरियाणा सरकार से भी मांग कर रहे थे, हिमाचल से भी मांग कर रहे थे और एसडी साहब से भी कह रहे थे कि वो दिल्ली के पानी को सुनिश्चित करें, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, आदेश के बावजूद भी हरियाणा सरकार जो 137 क्यूसिक पानी हिमाचल से आना था उसको छोड़ने का काम नहीं कर रहा है, और उसके अलावा जो 200 क्यूसिक पानी जो अतिरिक्त नहरों से, मुनक नहर जैसी नहरों से आता था उसको भी हरियाणा सरकार ने रोकने का काम किया है। और आज जिस प्रकार से हरियाणा सरकार राजनीति कर रही है उसको लेकर आज हम हरियाणा भवन पे पहुंचे कि दिल्ली के लोगों के लिए पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो पानी हिमाचल से दिया गया है वो पानी दिल्ली तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्या लगता है कब तक भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा जो दिल्ली का पानी रोक रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया है कि आपका जो पानी हिमाचल से आना है उसको रिलीज किया जाए, और वो हरियाणा सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा। गर्मी में जहां पानी की जरूरत हमें पूरी है और पूरा जानकारी लेने के बावजूद भी हमारा पानी रोका गया, और आज कम से कम भी 20% पानी हरियाणा रोका हुआ है, और हम गुहार लगा रहे हैं मोदी सरकार से, हरियाणा सरकार से कि आप इस तरह से दिल्ली के हकों का पानी मत रोके, और जब तक पानी आप रोकेंगे हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी और यहाँ पूरे देश के लोग यहाँ के बसते हैं, चाहे बिहार के हो, हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आज वहाँ पे हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिसने 137 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही, आज सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है, हरियाणा वहाँ का पानी नहीं आने दे रहा है। और दिल्ली का जो अधिकार 2018 में निर्धारित किया गया था 1050 क्यूसेक का, आज उसमें भी कमी कर दिए। तो आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हक के लिए सड़क पे है, और हम ये हरियाणा सरकार से मांग करने आए हैं कि हमारे अधिकार का पानी दे, जो हमारा अधिकार 2018 में हमको दिया गया 1050 क्यूसेक छोड़े, क्योंकि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और आज पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं। आज दिल्ली में पानी सबको चाहिए, सिर्फ दिल्ली वासी नहीं, सबको पानी चाहिए। तो हरियाणा से मांग करने आए हैं कि हमें पानी दे। ये संग्राम सड़क से लेकर कोर्ट तक चलेगा। अभी हम लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट में भी गए हैं। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत
हरियाणा में बैठी भाजपा सरकार दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का जायज़ हक रोक के बैठी हुई है, पानी को लेकर तराई तराई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद हरियाणा की सरकार पानी नहीं दे रही दिल्ली के नागरिकों को, और इस समय दिल्ली की पूरी जनता त्रस्त है। जनता रोडों के ऊपर है, गलियों में, मोहल्लों में, तमाम एरियों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, कनॉट प्लेस में आज सभी जनता यहाँ पे आई हुई है, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सब साथी। और हरियाणा सरकार को ये हमारी तरफ से मैसेज है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के हक का पानी दिया जाए। बीजेपी मोदी सरकार, दिल्ली के लोगों का पानी दो, दिल्ली के लोगों का जायज हक दो, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की जल मंत्री अतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज से मुलाकात कर जल संकट पर बातचीत की, जिसके बाद एलजी ने हरियाणा सरकार से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। देखिए सौरभ जी जो यूडी मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, और मेरी एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई, काफी लंबी बातचीत हुई। दिल्ली में जो पानी की कमी हो रही है, हरियाणा पानी जो कम छोड़ रही है, चाहे वजीराबाद बैराज पे पानी का लेवल गिर रहा है, चाहे मुनक कनाल में कम पानी आ रहा है, तो क्योंकि एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमने एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा से स्पेसिफिकली बात करें जो मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है। हर साल गर्मियों में भी इवेपोरेशन लॉस के बावजूद मई जून में जब मुनक कनाल से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, तो 990 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है। परंतु पिछले एक हफ्ते में 7 जून को तो यह 840 तक गिर गया था, पिछले दो दिन में यह 850-855 तक पहुंचा है। इस जो पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आता है, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिपेंडेंट है, क्योंकि मुनक कनाल का पानी गिर रहा है, क्योंकि वजीराबाद में पानी का लेवल कम है, तो जो हमारा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पिछले कुछ दिनों में 30 MGD ऑलमोस्ट पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे दिल्ली वालों पर बहुत सीरियस असर पड़ रहा है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा से बात करेंगे। दूसरा जो मुद्दा एलजी साहब से डिस्कस किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड में अभी अफसरों की बहुत कमी है। जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उनके पास 3 बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, PWD भी है, GST भी है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि एक सिंगल चार्ज का ऑफिसर वो नियुक्त करेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव काम ठीक से हो सके। ना सिर्फ इतना, दिल्ली जल बोर्ड में अभी मेंबर वाटर नहीं है, मेंबर ड्रेनेज नहीं है, मेंबर फाइनेंस नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार इस मुद्दे को हम एलजी साहब के साथ उठाते रहे हैं। पिछले 6 महीने से इनमें से कोई भी अफसर नियुक्त नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर से इस पे चर्चा हुई है और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले 1-2 दिन में जो अफसरों की कमी है दिल्ली जल बोर्ड में उसको भी सुलझाएंगे। देखिए अभी हिमाचल से कोई भी पानी जो वाया हरियाणा आना है वो कोई भी पानी नहीं आया है। इस पानी को वजीराबाद बैराज पे आना है। वजीराबाद बैराज पे पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। आज वजीराबाद बैराज पे 669.4 फीट पर पानी पहुंच गया है। अभी ऐसा हमें सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट से पता चला है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अभी डिस्प्यूट चल रहा है कि कितना पानी हिमाचल से आ रहा है और हरियाणा आगे कितना पानी छोड़ेगी। हम हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पानी हिमाचल प्रदेश दे रही है उस पानी को आगे दिल्ली वालों को दिया जाए। हरियाणा का कोई भी पानी जो हथनी कुंड बराज से यूज होता है, जो यूपी में यूज हो रहा है, जो उत्तराखंड में यूज हो रहा है, वो सारा पानी सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। दिल्ली में आज पीने के पानी की कमी है, दिल्ली में आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है। तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है, उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। अगर हरियाणा मुनक कनाल में पूरा पानी दे दे तो दिल्ली में जो पानी की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, जो तराही तराही मची हुई है, वो परेशानी कम हो सकती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार को एक बस पर आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 10 लोग मारे गए। वहीं अब इस हमले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कश्मीर में निहत्थे तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें लगभग 10 यात्रियों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई है। खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कहां है वो शांति, किसके लिए है वो शांति। इसके साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, इसका जवाब देश मांग रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता श्रीनेत ने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की व जो लोग घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हम सबसे पहले तो अपनी श्रद्धांजलि उन सब लोगों को देते हैं जिनकी जान गई, उन सब परिवारों को हमारी संवेदनाएं, जो घायल हुए उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम प्रार्थना करते हैं। हम बिना लाग लपेट के एक बात डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ ये देश एकजुट होकर खड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है या नहीं है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हिंसा की लेश मात्र इस देश में जगह नहीं है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उनको कायर बुलाते हैं। श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले कायर हैं और कुछ नहीं। लेकिन इस बात की बहुत गहन चिंता है कि बड़े बड़े दावे और डींगे हांकने वाले आज इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या है सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर की, श्रद्धालुओं की इस निर्मम हत्या का जिम्मेदार कौन है, आज इस बात पर भी सवाल उठेगा। आतंकी घटनाओं में हमारे जवान शहीद हुए, हमारे ऑफिसर शहीद हुए, पुलिस के लोग शहीद हुए और आज आतंकी हमले को ढकने की, तोपने की, उस पर लीपापोती की कोशिश बेकार है। आतंकी हमले के खिलाफ ये देश एकजुट होकर खड़ा है। आतंकियों को ये बात पूरी तरह से समझानी होगी कि आप की हिंसा और आपकी नफरत के खिलाफ ये देश एकजुट है, ऐसी जरूरत कीजिएगा मत। एक तरफ कल शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था एनडीए सरकार का और दूसरी तरफ रियासी में निहत्थे तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें लगभग 10 तीर्थयात्री मारे गए। हमें कहा जाता है, पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई है। कहां है वो शांति, किसके लिए है वो शांति? जो बाहर से मजदूर वहां काम करने जाते हैं उनके लिए शांति नहीं है। कश्मीरी पंडितों से पूछिए वो नहीं मानते कि शांति आ गई। स्थानीय नागरिकों से पूछिए वो नहीं मानते कि शांति आ गई। सुरक्षा बलों के लिए शांति नहीं, पर्यटकों के लिए शांति नहीं। मेरे राज्य राजस्थान से 10 दिन पहले 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। कहां है शांति? सिर्फ शांति के बारे में भाषण दे देना और अपनी पीठ ठोकना, अपनी छाती ठोकना कि साहब शांति ले आया मैं, उससे शांति नहीं आती। एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ आतंकी हमला हो रहा था और तीसरी तरफ क्रिकेट चल रहा था। यह हो क्या रहा है? क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ चल सकता है? अब हम भी जानना चाहते हैं सरकार से। सिर्फ लफाजी करने से शांति नहीं आती, क्या वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इसका अब जवाब ये देश मांग रहा है। कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं, पर्यटक मांग रहे हैं, स्थानीय नागरिक मांग रहे हैं, सुरक्षा बल मांग रहे हैं और हमारे तीर्थयात्री मांग रहे हैं, इसका जवाब देना होगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। देवास जिले के निमावर में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने मां नर्मदा जी के घाट पर साफ सफाई की तथा उपस्थित जनसमूह से जल बचाने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए अनुरोध किया। वहीं उन्होंने बताया कि जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार नदी, कुएं, तालाब, बावड़ियों एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण व साफ सफाई हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान एमपी के माध्यम से जुटी हुई है तथा जनमानस को भी इसके लिए जागरूक कर रही है। ये हमने हमारी सबकी मान्यता है कि हमारे यहाँ प्रत्येक पर्व त्योहार इनका ऋतुओं के हिसाब से, इनके मौसम के हिसाब से पूरे 12 माह के अलग अलग रचनाएं जो की
ये ऋषि मुनियों ने वर्षों तक अपने जीवन के निचोड़ के रूप में उपहास स्वरूप पूरे देश को दिए। कितना अच्छा लगता है ग्रीष्म काल में गंगा दशमी का हमारा अपना पर्व आता है, गंगा जल जीवी मंत्री, नदियों के किनारे जल ही जीवन है, और नदी के किनारे कहने के लिए तो हमारे यहाँ सिंधु नदी घाटी अतीत के काल से अतीत में मिले प्रमाणों के आधार पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का महत्व रेखांकित करती है। लेकिन आज भी हम सबके लिए अपने जीवन में ये पुरातत्व के प्रमाण, ये पाषाणिक अवशेष, ये हमें गर्व करने का मौका देते हैं। लेकिन ये केवल अतीत के गर्व करने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान के दौर में भी हमारी जल संरचनाएं, चाहे नदी तालाब, हमारे कुएं बावड़ी, सबके लिए भारत जी 5 जून से 16 जून गंगा दशहरे रहते हैं, अर्थात पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक ये पूरे आयोजन की श्रृंखला बनाएंगे। आयोजनों के माध्यम से हम सब ने संकल्प लिया है, लगभग यहाँ 5 करोड़ 65 लाख से अधिक लागत के 3078 जल संवर्धन के और जीर्णोद्धार के काम कराए जा रहे हैं। देवास जिले में 1 करोड़ 78 लाख की लागत से 650 से अधिक नगरीय क्षेत्र में और 3 करोड़ 86 लाख की लागत से 2400 से अधिक जल संरचनाएं, नदी तालाब, हमारे कुएं बावड़ी सबका जीर्णोद्धार और साफ सफाई के काम कर रहे हैं। जिले में 196 पुराने तालाब, इसके बहाने से जो तालाब कितने इसकी एक तरह से गिनती भी करा रहा है, ऑडिट भी करा रहा है, 105 172 जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार का काम चालू कर रहा है। अपने मकान में अपना पानी पृथ्वी के गर्भ में डालने के लिए ग्रुप वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से अमृत संचय अभियान के 250 से ज्यादा काम कराए जा रहे हैं और देवास जिले से निकलने वाली काली सिंध नदी की साफ सफाई और उसका कैचमेंट एरिया भी कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2028 में कुंभ मेला समस्त देश को हम देते हैं और उसके लिए क्षिप्रा और अन्य जल स्रोत जितने हैं इससे भी जुड़े हुए सभी कामों में काम कर रहे हैं, खास करके प्रयास कर रहे हैं कि क्षिप्रा के जल से ही कुंभ का स्नान हो। हमारे लिए अपने अमरा जी के साथ साथ क्षिप्रा जी का अपना जल स्रोत भी सुरक्षित रहे, यद्यपि नर्मदा जी से हमारी खेती और बाकी कामों का लाभ मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 5 तारीख से चलने वाला 16 जून तक का ये गंगा दशहरे अभियान तक चलने वाला अभियान हमारे उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर राष्ट्रीय आचरण के गुरु शरणानंद जी के माध्यम से इस पूरे आयोजन का समापन होगा। आपके माध्यम से आज ये नमावर का तीर्थ धन्य हुआ। आने वाले समय में ये 5 लट्टू स्थान को स्थानांतरित करने का माननीय विधायक जी दे रहे हैं और सिद्धार्थ का भी बढ़िया लग रहा है कि वैसे तो बहुत सुंदर स्थान है, ये बहुत अद्भुत बनाया जाएगा। आपके आशीर्वाद से उन्होंने मौका दिया तो हमारे लिए सरकार मौका दिया है, इससे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ उद्योग धंधे भी लगाएंगे। बहुत सभी गौशालाओं के लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है, अभी जितनी गौशाला है पंचायत भी गौशाला ले सकेगी और अभी गौशालाओं की राशि भी प्रति गाय माता का डबल कर दी है। कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कोई सड़क में गाय माता नहीं दिखाई देगी, सबका प्रबंधन करेंगे, कोई को चोट नहीं लगे, कोई व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो, हम सबके लिए वो 33 करोड़ देवी देवताओं का एक हमारा चलता फिरता स्वर्ग धाम है। हम सब परमात्मा की कृपा से उनके जीवन को लेकर के और सबके जीवन में सुख आनंद रहो की वर्षा हो ये कामना करते हुए अच्छे आयोजन के लिए यहाँ की विधायक जी यहाँ की सबको सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने तमांग और उनके मंत्री परिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमांग ने दूसरे कार्यकाल के लिए हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि 2 जून को SKM की बैठक के दौरान उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था। डू आई हैव द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। नाउ आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट श्री प्रेम सिंह तमांग to take his seat for the swearing in. म प्रेम सिंह तामाङ ईश्वरको नाममा शपथ लिन्दछु कि म विदुईद्वारा स्थापित भारतको संविधानप्रति
साँचो श्रद्धा निष्ठा राख्नेछु। म भारतको संप्रभुता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्नेछु। म सिक्किम राज्यको मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्ना कर्तव्यहरूको सदापूर्वक र शुद्ध अन्तस्करणले निर्वहन गर्नेछु तथा म भय वा पक्षपात अनुराग वा द्वेष बिना सबै प्रकारका मानिसहरूप्रति संविधान र विधि अनुसार न्याय गर्नेछु। म प्रेम सिंह तामाङ ईश्वरको नाममा शपथ लिँदछु कि सिक्किम राज्यको मुख्यमन्त्रीका रूपमा मेरो विचारका लागि ल्याइने अथवा मलाई ज्ञात हुने कुनै पनि विषय कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई यस्तो मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्ना कर्तव्यहरूको समुचित निर्वहनका लागि जति अपेक्षित छ त्यस सिवाय म प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपले संसूचित वा प्रकट गर्ने छैन। आई नाउ रिक्वेस्ट द अनरेबल गवर्नर टू एडमिनिस्टर द ओथ अफ अफिस एन्ड सिक्रेसी टू द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स डेजिग्नेट। द काउन्सिल अफ मिनिस्टर डेजिग्नेट्स will be sworn in the order of sequence as per warrant of appointment. Number 1, Sri Sonam Lama. I, Sonam Lama, do swear in the name of God that I will bear to faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold and sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and constitutionally discharge my duty as a minister for the state of Sikkim, and that I will do right to all manner of people in accordingly with constitutional and law, without fear or favor, officence or ill will. Ma Arun Kumar Upriti Ishwar ko naam ma shapath lindachu ki ma विधिद्वारा स्थापित भारतको संविधानप्रति साँचो श्रद्धा र निष्ठा राख्नेछु। म भारतको सम्प्रभुता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्नेछु। म सिक्किम राज्यको मन्त्रीका रूपमा आफ्ना कर्तव्यहरूको श्रद्धापूर्वक र शुद्ध अन्तर्करणले निर्वाह गर्नेछु तथा म भय वा पक्षपात अनुराग वा दोष बिना सबै प्रकारका मानिसहरूप्रति संविधान र विधि अनुसार न्याय गर्नेछु। आई सम्डुप लेप्चा डु स्वेयर इन द नेम अफ गड द्याट आई विल बियर टु फेथ एन्ड एलर्जेन्स टु द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया एज बाइ ल इस्टाब्लिस, द्याट आई विल अपहोल्ड द सोभरेनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी अफ इन्डिया, द्याट आई विल फेथफुली एन्ड consistently discharge my duty as a minister for the state of Sikkim, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I Samdup Lepcha do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration, as shall become known to me as a minister for the state of Sikkim, except as may be required for the due discharge of my duty as such as minister. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।